हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सब लोग एंड कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. और आज अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3. इससे पहले मैंने दो पार्ट डाल दिए हैं और एक पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी. आप लोगों ने उस पीडीएफ को किया था और काफ़ी डाउट आए थे आपको, तो मैंने उसके पीडीएफ का सोल्यूशन का वीडियो भी बनाया था जिसको आपने देख लिया होगा. आज बात करते हैं अपन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की पार्ट 3 की. इसमें बेसिकली अपन बात करेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी भी बात करेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करूँगा पहले, उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन चलेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के. ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के. तो देखो, टॉपिक बहुत ही ईजी है. अगर आपने परसेंटेज का वीडियो देखा हुआ है तो ये टॉपिक आपको बहुत ही ईजी लगेगा, और अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद ये वाला देखिएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 3. देखो, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो सिंपल, देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज इतना है, डिफरेंस इतना है. देखो, यहाँ बात करता हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट की, यहाँ बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की. देखो, मान लो आपने किसी 100 रुपये लिए और मैंने बोला कि रेट जो है वो 10% एनम है. तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो अगले साल कितना हो जाएगा, 110. सिंपल इंटरेस्ट में कितना क्या होता है कि प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है. अब मैं नेक्स्ट ईयर का फिर पूछूंगा इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे देखो इस साल कितना था, इस साल का था 100 + 10, तो अगले साल का होगा 100 + उसके नेक्स्ट ईयर का, तो 100 + 20, उसके नेक्स्ट ईयर का होगा 100 + 30. मतलब बेसिकली ये है कि इसके अंदर प्रिंसिपल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. मतलब आपने किसी से 5,000 रुपये लिए और आपने बोला 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो 5,000 पर क्या होगा, 10% का इंटरेस्ट रेट होगा, तो 10% होता है 500. ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आपको कितने रुपये मिलेंगे, 5,000 + 500 मिलेंगे. अब नेक्स्ट ईयर की बात करूँगा तो वापस 10% मिलेगा आपको, मतलब 500 रुपये. तो क्या होगा, हर साल आपको 500 500 रुपये मिलते रहेंगे. ठीक है, तो 5,000 + 500 पहले थे और अब 500 और मिल गए आपको, लेकिन आपका प्रिंसिपल जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ये मैंने बता चुका हूँ आपसे, ठीक है ना. मतलब प्रिंसिपल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, किसके अंदर, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर. अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में. देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरी चीज़ है, देखो अगर आपने 100 रुपये लिए तो फर्स्ट ईयर तो क्या होगा, 10% का इंटरेस्ट लगाया तो 110 हुआ. लेकिन अब अगले साल क्या होगा, मैं फिर बोलूँ आपको अगले साल का 10% कितना होगा या इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया तो क्या होगा, 110 पर लगेगा, वो 100 पर नहीं लगेगा. सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो आपने प्रिंसिपल लिया उस पर बार बार लगता रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा. अब देखो, 10% निकालोगे तो 11 आएगा, तो अब आपके रुपये कितने हो गए, 110 + 11, मतलब 121 रुपीज़ हो गए. अब आप फिर से 10% लगाओगे तो 121 का 10% फिर लगाना पड़ेगा आपको, जो कि होता है 12.1. अब 12.1 इसको करोगे तो 133.1 आ जाएगा. तो देख रहे हो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, हर साल चेंज होता रहता है. ठीक है, प्रिंसिपल चेंज, जबकि इसके अंदर एस आई के अंदर प्रिंसिपल चेंज नहीं होता. ठीक है, बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखनी है. अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, अपन कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ और चीज़ें याद रखनी है. जैसे मैं मान लो कि मेरे पास प्रिंसिपल है 1,000 रुपीज़ और मैं आपको बोलूँ कि मैंने रेट लगाई 10%, तो बताओ 2 साल बाद कितना मिलेगा, अगर 2 ईयर्स के बाद कितना मिलेगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो कैसे करना, देखो आपको ऐसे करना. देखो, 100,000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल था, गेन कितना हुआ, गेन हुआ 10%, तो मतलब 110 हो जाएगा, 110/100. अब कितने ईयर के लिए, 2 ईयर किए, तो 2 ईयर के मतलब 2 बार लिखोगे आप इसको, तो ये आपका जो आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा. जैसे मुझसे पूछा जाए कि आपका प्रिंसिपल जो है वो 5,000 रुपये है और मैंने रेट जो है वो 5% लगाई है, ठीक है, तो 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, 3 ईयर्स में अमाउंट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट मतलब कितना पैसा आपको मिलेगा. तो कैसे करोगे, 5,000 और गेन, इस बार गेन होता है हमेशा 105/100, इसको 3 बार लिखोगे 105/100, इसको 3 बार लिखोगे 105/100, बस इसको क्लिक करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा. अब आपको पूछा बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इस तरीके से आपको याद रखना है. कुछ एक आधा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, क्या फॉर्मूला है इसका, देखो देख लो एक बार. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि आपको अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला है P/R/100^n. अब n मतलब तो टाइम है, r मतलब रेट है, p मतलब प्रिंसिपल है, p मतलब प्रिंसिपल, r मतलब रेट, n मतलब कितने साल के लिए दे रहे हो आप टाइम. ठीक है, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो देखो अमाउंट तो कितना है, अमाउंट आ गया P/R/100^(n-p). ठीक है, ये कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट. देखो फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन बेसिकली फॉर्मूला कम यूज़ करते हुए आप कॉन्सेप्ट सीखोगे,
ठीक है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना, जहाँ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी वहाँ फॉर्मूला भी अपन यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस इतना अगर आपको आता है तो आप सारे क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है ना। आगे बात समझ में? चलिए इस चीज़ को अपन रफ करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट और लिख देते हैं। मान लो कि आपको ऐसे दिया होता है कि भाई इंटरेस्ट जो है 6 मंथ का पे करते हैं, क्वार्टरली पे करते हैं, जैसे मान लो 6 मंथ का कर रहे हो आप, 6 मंथ, तो आपको याद रखना है कि अमाउंट जो होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में 6 मंथ के अंदर क्या हो जाएगा कि 1+ ईयरली आपको रेट दी होगी तो उसको R/2 करना है, ध्यान। और यहाँ पर क्या करोगे, टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2N हो जाएगा, मतलब जितना इसमें डिवाइड जाएगा उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मुझे, मैंने 6 मंथ से, मैं 6 मंथ का क्या कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा हूँ, 2 साल के लिए ले रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, 6 मंथ का ले रहा हो तो ये 2, और 2 साल का है इसका मतलब यहाँ पर 4 कर दोगे। अब मैंने बोला क्वार्टरली ले रहा हूँ, क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में क्या करोगे, क्वार्टरली में R/4 होता है, तो यहाँ पर R/4 करोगे। मैंने बोला 2 साल के लिए लूँगा, तो 2 साल के लिए मतलब उसको क्वार्टरली को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस ये कंसेप्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब आपको जो आपका इंटरेस्ट है वो मंथली हो सकता है या क्वार्टरली हो सकता है या 6 मंथ का हो सकता है, इस तरीके से हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1600 एट 25% पर एनम ऑफ 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। आपको आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो सबसे पहले अमाउंट निकाल दो, आप क्या करो, अमाउंट फाइंड करो। तो अमाउंट कैसे फाइंड करोगे, मैंने आपको एक तरीका बताया, तो क्या करोगे, प्रिंसिपल कितना 1600, गेन हुआ है, गेन कितना 25%, तो ये हो जाएगा 125/100, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 125/100 दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1600, तो ये होता है आपका 5/4, ये भी होता है आपका 5/4, तो 4 4 16 कटो करोगे तो कितना आएगा, 100 100 × 25, तो ये हो गया 2500, ये आपका अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल कितना था आपका, प्रिंसिपल था आपका 1600, तो आपका सी आई कितना होगा, सी आई होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 900। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 9680 इन 2 ईयर्स, कितना अमाउंट हो गया उसका, 9680 हो गया, और 3 ईयर के अंदर 10648 हो गया। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, इसने सीधा अपन को अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट 2 साल के अंदर 2 ईयर के अंदर हो जाता है 9680। अच्छा अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, अगर आपने फॉर्मूला याद करें तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+R/100 की पावर एन। तो देखो फर्स्ट ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे, तो पहला अमाउंट कितना हुआ, पहला अमाउंट हुआ 9680, प्रिंसिपल तो पी था, 1+R/100 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब उसके बाद कितना अमाउंट हो गया, 10648, ये कितने के लिए हुआ, 3 साल के लिए, तो 1+R/100 की पावर 3। देखो ऐसा आने के बाद क्या करोगे आप डिवाइड कर दोगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन टू है, तो सिंपल 2 के अंदर फर्स्ट का डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा, 10648/9680, और ये आ जाएगा आपका 1+R/100। यहाँ तो कोई बात दिक्कत आई, तो देखो आपको क्या निकालना है, आपको R निकालना है, तो इसको क्या करोगे आप, इसको लिखोगे 10648/9680 -1=R/100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको R जो मिलेगा वो मिलेगा 10%, कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है, सॉल्व कर लोगे आप लोग, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन विच सम ऑफ मनी एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है ना। कैसे करने हैं, सबसे अच्छा तरीका ये है, मान लिया आपने 100 रुपये, आपको 100 से कहाँ जाना है, 200 जाना है, 200 ज़्यादा जाना है, तो कितने साल लगेंगे आपको। देखो कितना परसेंट रेट है, 20%, तो 20% पहला 100 पर 20% लगाया तो 20 रुपीज़ एक साल में, 120 रुपये हो गए, ये एक साल में। सेकंड वापस 20% लगाओगे, 20% इसका 20% कितना होगा भाई, 10 होगा 12 तो कितना हो जाएगा, 24, अब आपके पास रुपये हो गए 144, 24 ऐड कर दोगे तो 2 साल हो गए। अब 20% लगाया, इसका 20% कितना होगा, 14.4 होगा 10, तो ये हो जाएगा 28.8, कितना हो जाएगा आपका 20%, 28.8 ऐड करोगे इसके अंदर तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 172.8, कितना आएगा 172.8। अब वापस जब 20% लगाओगे
तो देखो अंदाजे से पता चल रहा है कि ये 20% जो आएगा वो आपका आएगा 35 करीब, आएगा 35 करीब। तो जैसे इसमें 35 ऐड करोगे तो ये तो 200 से बाहर चल जाएगा ना। तो कितने साल लगेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और चौथे साल के अंदर क्या हो जाएगा, 200 से बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने साल लगे, 4 साल मिनिमम लगेंगे। ऐसे आपको 3 गुना, आपको पूछ ले 3 गुना कितना टाइम हो जाएगा, 4 गुना कितना टाइम हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये वाला तरीका है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, अप्रॉक्सीमेट मान के करने हैं। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि एग्जैक्ट कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट मान के करना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 5 ईयर्स, इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन। देखो कैसे करोगे, देखो इसने सिंपल सा बोला है कि भाई किसी कंपाउंड इंटरेस्ट पर इसकी मनी जो होती है 1+R/100 की पावर 5, ये क्या हो गया भाई इसका, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल पी मान लिया मैंने ये, तो ये कितनी हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। कितनी टाइम्स हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ से पी से पी कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 1+R/100 की पावर 5 = 2। अब क्या बोल रहा है, इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट सेम है और ये कितनी हो जाती है, 8 टाइम्स हो जाती है। तो अगला बार क्या लिखोगे, पी सेम है 1+R/100, ठीक है। अपन को नहीं पता कितने टाइम होगी, तो ये लेकिन हो जाती है 8 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से पी से पी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1+R/100 की पावर n, अपन को नहीं पता, ये 8 टाइम्स हो गई, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि अमाउंट जो होता है वो पहले तो 2 टाइम्स हो जाता है, ये 8 टाइम्स हो जाता है। अब आपको निकालना है, बेसिकली टाइम निकालना है। कैसे निकालोगे आप टाइम, देखो देखो एक काम कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या करो, 1+R/100 की वैल्यू निकाल दो। 1+R/100 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये आएगी 2 की पावर 1/5। जब भी ये पावर याद आती है तो 2 की पावर 1/5। अब ये वाली वैल्यू क्या करोगे, इसके अंदर रख दोगे। तो 1+R/100 की वैल्यू कितनी हुई भाई, 2 की पावर 1/5। ऊपर कितना है, n = 8, तो ये हो गया 2 की पावर n/5, और ये इसको लिख देते हैं 2 की पावर 3। देखो बेस सेम है तो क्या होगा, पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो आप बोलोगे n/5 = 3, तो n कितना आ गया, 15। इसका मतलब n हो गया 15 ईयर्स हो गया, कितना हो गया, 15 ईयर्स। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन पक्का, कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लिटिल बिट दिमाग लगाना है और मेथड से ही करना है। देखो अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो फिर मैं मना करूँगा आपको, शॉर्ट ट्रिक कम यूज़ करनी है, ठीक है ना। जितना हो सकता है उतना मेथड यूज़ करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए उसको, और फिर मेथड लगाइए। कई बार शॉर्टकट के चक्कर में अपने क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन अगर आपका बेसिक सही है तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ये कैसे करोगे। अगर पूछा व्हाट विल बी द अमाउंट व्हेन डस 10,000 इज डिपॉजिट इन ए बैंक एट 10% per annum कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स, कैसे करोगे। तो जैसे मैंने तरीका बताया भाई, 10,000 लिखोगे, इस बार गेन हुआ कितना का, 10 का, तो 110/100। कितनी बार लिखोगे, 3 ईयर्स के लिए, तो 110/100 और फिर 110/100। सॉल्व करना है इसको, तो ये हो जाएगा 10,000 और 1.1, ये कितना होता है 1.1, उसके बाद 3, उसको आप कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 13,310 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ अमाउंट एट R% कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इन 3 ईयर्स, इन 9 ईयर्स इट विल के टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो आपको क्या बोला है कि सम ऑफ अमाउंट एट 8% कंपाउंड डबल्स इन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में क्या होता है, डबल हो जाता है, मतलब अमाउंट जो होता है वो 2p टाइम्स हो जाता है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, p1+R/100 की पावर n, n कितना है, 3 ईयर में, ठीक है। अब 9 ईयर्स में कितना हो जाता है, k टाइम्स हो जाता है, तो अमाउंट कितना हो गया, k टाइम्स, तो kp हो गया, kp = p1+, ठीक है। आपको बताना क्या है, R/100, और यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 9 ईयर हो गया, ठीक है ना। आपको k की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले p से p कट कर दो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ 1+R/100 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 2 की पावर 1/3 बोलोगे ना, ठीक है, जैसा अभी मैंने कराया था। ये वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी है, तो देखो यहाँ से क्या हुआ, p से p कट कर दिया, k 1+R की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 1/3, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर, उसके ऊपर क्या है, 9 है, तो 3 से कट करोगे तो कितना आएगा, k = 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, तो आंसर कितना आ गया,
एट इज द राइट आंसर। आगे बात सुन में, ठीक है, बहुत ही आसान है, एकदम आराम से अपन क्वेश्चन करना है, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 20,000 इज बीइंग कंपाउंडेड एट 20% पर एनम, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर टू ईयर। कैसे करोगे भाई, आपको दिया हुआ प्रिंसिपल 20,000, वन प्लस मैंने क्या बताया था आर अपॉन हाफ ईयरली, तो टू लिखना पड़ेगा, और कितने साल के लिए, दो साल के लिए, तो डबल हो जाएगा, जितना आप टू करोगे वहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20,000, और ये कट किया तो ये हो जाएगा, ये टू से 11/10 की पावर 4, इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और ये जो अप्रोक्सीमेटली आएगा वो आएगा 29282, कैलकुलेशन आप कर लोगे तो ये आएगा 298282, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, 1000 इज बीइंग चार्ज एट द 50% पर एनम, व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। पर थर्ड ईयर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अपन को वो बताना है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो भाई दो साल का निकाल लो, और फिर तीसरे साल का निकाल लो, और फिर माइनस कर दो, दो साल का निकालो, तीन साल का निकालो, माइनस कर दो, या तो ये तरीका है, या दो साल का प्रिंसिपल निकाल, दो साल बाद क्या प्रिंसिपल होगा या क्या अमाउंट होगा वो देखते हैं अपन। दो साल बाद क्या अमाउंट हो जाएगा, देखो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 1000 वन प्लस 50/100 और उसके बाद क्या है 2, तो ये हो जाएगा 1000 150/100 मतलब 1.5 का स्क्वायर। आगे बात समझ में, और 1000 इंटू 1.5 होता है 2.25, मतलब ये हो गया 2250, 2250 रुपये, ठीक है। अब आपका प्रिंसिपल क्या हो गया, 2250 रुपये हो गया। अब आपको निकालना थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल आपको पता चल गया, प्रिंसिपल आपको पता है 2250 रुपये, ठीक है ना, और लगना कितना है 50%, तो 2250 का 50% आपको चाहिए, कितना होगा 2250 का 50% निकाल सकते हो, क्योंकि 2250 का 50% हो जाएगा 50/100 मतलब 1/2 का मतलब कितना आ जाएगा 1125, ये आपको थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो कि भाई अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, अमाउंट पता चल जाएगा तो आराम से उस ईयर का इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 1125 इज द राइट आंसर। बहुत बारीकी समझना, ध्यान रखना, ठीक है ना, एक बार समझ में आने के बाद टॉपिक बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इंक्रीजेज वेरी रैपिडली एट 12% पर एनम एंड 3 ईयर्स एगो इट्स पॉपुलेशन वाज 1 बिलियन, व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन। मतलब अपन को एक तरह से ये क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होते हैं। जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 1 मिलियन, ठीक है, रेट दी हुई आपको 12% और टाइम आपको दिया हुआ 3 ईयर्स का, आपको बताना प्रेजेंट में कितनी होगी, मतलब अमाउंट तरीके से पूछ लिया आपको, तो अमाउंट पी इक्वल टू वो याद करना 1 + r/100 की पावर n फॉर्मूला वही, तो p कितना है, p है 1 मिलियन मल्टीप्लाई गेन किया आपने 1/12/100, कितने साल तक, 3 साल तक, इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI आता है, ठीक है ना। अब जनरली अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं और अपन सर्टेन फॉर्मूले याद कर लेते हैं, और उन फॉर्मूले के बेसिस अपन को लगता है कि अपन सब कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। कई बार फॉर्मूला अपन को याद नहीं होता है, कुछ चीज़ें मिस्टेक होती है तो अपन गलत हो जाता है। देखिए जब भी आपको मैथ्स कर रहे हो, भले आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बेसिक से चलिए, आप बेसिक अपना ध्यान रखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन लोड नहीं लगेगा आपको, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये फॉर्मूला याद नहीं, अब मैं कैसे करूँगा, तो फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स एट 20% पर एनएम इज 152। तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट जनरली क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो और फिर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो तो काम हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट देखो क्या बोला हुआ है, पी मान लेते हैं, पी 1 प्लस रेट कितनी दी हुई है, रेट दी हुई है 20/100 और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ये हो गया पी 120/100 की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट कितना आएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 6/5 की पावर 3 आ गया, ये आपका 3 साल का अमाउंट आ गया। तो CI कितना आएगा बताओ मुझे, CI आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो पी 6/5 की पावर 3 माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ से आप पी कॉमन लोगे तो ये आएगा 6/5 की पावर 3 माइनस 1, ये आपने निकाल दिया
कि 3 साल का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, छोटा कर दिया मैंने, अब बात करते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट की। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, इसका तो फॉर्मूला सिंपल, पी आर टी अपॉन 100। तो पी सही है, आर कितना था, आर था आपका 20, टाइम कितना था, टाइम था आपका 3 साल डिवाइड बाई 100, तो इसको क्या, तो कितना आया 5, तो ये हो गया 3P/5। तो ये तो आ गया आपका 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब डिफरेंस बोला, तो डिफरेंस क्या होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन टू है, तो 1 माइनस 2 क्या है, ये डिफरेंस है, तो निकालो 1 माइनस 2 कितना आएगा, पी 6/5, 6/5 की पावर 3 - 1 माइनस 3P/5। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 152 दिया हुआ डिफरेंस। ठीक है ना, और छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, अब अपन क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालते, देखो पी कॉमन ले लेते हैं, तो पी कॉमन ले लिया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इस वाले को ये होगा 6 की पावर 3 होती 216, 5 की पावर 120, तो 216 माइनस 125 अपॉन 125 माइनस कितना है 3P/5, कितना दिया 152। तो ये बच गया, देखो पी 125 चला गया 75, 75, 81, 91 अपॉन 125 माइनस 3P/5 इक्वल टू 152। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में मिलेगा क्या, आपको पी तो निकालना है और क्या बचेगा, पी निकालना है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, पी जो आएगा वो आएगा 1187.5 आएगा। ठीक है ना, ये आपको सॉल्व करके देखना है। तो देखो, जब आपको बेसिकली मेथड पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, आपको शॉर्टकट याद नहीं रखने पड़ेंगे कि इतना शॉर्टकट याद रखना, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब इसके बाद सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं इसके अंदर, सॉल्व आपको करना है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट आप ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन आपसे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है सम इज बिंग लैंड एट 20, लैंड मतलब किराया, ठीक है ना, उधार 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ फोर्थ ईयर टू फाइव ईयर। ठीक है, रेशियो पूछा आपसे, तो सबसे पहले देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1 + R/100 उसकी पावर n। अब 20% आपका गेनिंग हुआ है, तो सिंपल से देखो 4 साल का कितना होगा, 4 साल का होगा 1 + R/100 की पावर 4 ईयर, ये किसका होगा, अमाउंट ऑफ 4 ईयर का। अब आपको पूछा अमाउंट 5 ईयर का कितना होगा, वापस पी 1 + R/100 की पावर 5। अब आपसे रेशियो पूछा है किसका, इन दोनों को रेशियो पूछा है आपको फोर्थ ईयर टू फाइव ईयर, तो आप क्या बोलोगे, फोर्थ ईयर अपॉन फाइव ईयर, छोटा कर देता हूँ मैं इसको, तो फोर्थ ईयर अपॉन फाइव ईयर करोगे, फोर्थ ईयर का कितना था, पी से पी कट जाएगा, डिवाइड करना है आपको, तो देखो क्या आएगा, इससे कटो करोगे तो क्या आएगा, 1 + R/100 की पावर 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 + R/100 की पावर क्या है, 5 है, तो 4 से कट कर दोगे, तो A4 / A5 आपका बच गया 1 + R/100, नीचे डिनोमीटर में बच जाएगा, क्या बच जाएगा डिनोमीटर में, 1 / 1 + R/100। अब बताओ मुझे R कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 / 120 / 100, 100 ऊपर चल जाएगा, तो A4 / A5 ये हो गया 100 / 120, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 / 6, तो रेशियो कितना आ गया, 5:6 आ गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात सुन में, तो बहुत आसानी से करना है, ठीक है ना, अगर बस थोड़े बहुत फॉर्मूले याद करने हैं, कंसेप्ट लगाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप, कि 12,000 अमाउंट टू रस 20,736 इन 3 ईयर्स एट आर परसेंट पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। ये बोला है अमाउंट जो था वो 12,000 से 20,736 हो गया, कितने ईयर में, 3 ईयर में, एट द रेट ऑफ आर परसेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। तो अमाउंट का फॉर्मूला वही पी 1 + R/100 की पावर एन। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया 20,36, और आपका प्रिंसिपल था 12,000, 1 + R/100 और 3 साल के अंदर। ठीक है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता तो आप बोलोगे सर यहाँ तो क्यूब आ रहा है, आप कैसे निकालेंगे, तो एग्जामिनर आपको हमेशा ऐसी वैल्यू देगा जिससे आपका क्यूब इधर की तरफ क्यूब रूट बन जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो करके देखते हैं अपन, तो ये हो गया 12,000 + 1 + R/100 की पावर 3। यहाँ तक किसी दिक्कत, ठीक है, अब इसको कट करो, आप किससे कट करोगे, 12 से कट कर लो, इसको 12 से कट करो, तो देखो 12 से कट करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा 1728, नीचे आएगा 1000। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये क्यूब बनेगा, देखो अभी क्यूब बन भी रहा है,
तो उसी से आपको कट करना है। देखो लास्ट में आपको क्यू बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, ये किसका क्यूब होता है अगर आपको याद हो 170, ये 12 का ही क्यूब होता है और नीचे वाला 10 का होता है। तो 12 बाई 10 का क्यूब 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया तो कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर देखो 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू 12 बाई 10, इस 1 को वहाँ भेजोगे तो आर बाई 100 इक्वल टू आएगा 12 बाई 10 माइनस 1 जो कि हो जाएगा आपका 2 बाई 10। अब एक 10 से 10 काट दोगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 मतलब 20% रेट आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 20% इज द राइट आंसर, मतलब डी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ ए सर्टन सम ऑफ मनी डबल्स इन एन ईयर्स देन द अमाउंट विल बी फोर फोल्ड इन, मतलब फोर टाइम्स कब हो जाएगा अमाउंट, ये अपन को बताना है, ठीक है, कितने साल में हो जाएगा। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया ना तो एन की वैल्यू आप पुट कर दो, एन वाले मैंने ट्रिक बताई भी आपको, और ऐसी वैल्यू पुट करनी जिसके अंदर एक सारे ऑप्शन के आंसर अलग अलग आना चाहिए। देखो अगर मैं एन इक्वल टू वन तो नहीं ले सकता, ठीक है, एन इक्वल टू मैं लेता हूँ, एन इक्वल टू वन लूँगा तो उससे दिक्कत क्या होगी, ये भी टू दे रहा होगा, ये भी टू दे रहा होगा, तो इसका मतलब मेरे को कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं एन इक्वल टू लेता हूँ तो इसका आंसर भी फोर आ रहा होगा, इसका आंसर भी फोर आ रहा होगा, तो अपन एन इक्वल टू थ्री ले लेते हैं। देखो एन इक्वल टू थ्री पर सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, ये नाइन आ रहा है, ये सिक्स आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो एन इक्वल टू थ्री ले लेते हैं। तो ऐसे आपको सोचनी है कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए। अब क्वेश्चन वापस हम पढ़ते हैं, एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ ए सर्टन सम ऑफ मनी डबल्स इन थ्री ईयर्स तो फोर टाइम्स कब होगी, ये बताना अपन को, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, और ये तीन साल में हो गया। अब इसको करना है फोर टाइम्स, तो फोर टाइम्स कितने साल में होगा, 4p कर देते हैं इसको, 1 प्लस आर बाई 100 और उसकी पावर कर देता है अपन n, n अपन को निकालना है। तो देखो क्या करोगे, मैंने तरीका बताया आपको, यहाँ से पीसीपी कैंसिल हुआ, 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी आएगी 2 की पावर 1 बाई 3, और ये 2 की पावर 1 बाई 3 क्या होगा, यहाँ रख लो इस आर, ये कट हुआ, ये हुआ 4, ये हुआ 2 की पावर 1 बाई 3, इसमें कट कर दिया 2 की पावर 1 बाई 3, उसकी पावर क्या है एन, तो देखो कितना आएगा, छोटा कर देता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 की पावर एन बाई 3, इसको लिख देता है 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर n बाई 3, तो n बाई 3 किसके बराबर होना चाहिए 2 के, तो n बाई 3 बराबर हो गया 2 के, तो n कितना आ गया 6, इसका मतलब कितना आ गया 6 ईयर्स आ गया, कितना आ गया 6 ईयर्स। तो अब एक चीज़ बताओ टाइम कितना हो गया, n नहीं है मतलब ये टाइम था एक तरह से, इसको टाइम लिख दो, कन्फ्यूजन हो रहा है तो टाइम लिख दो इसको, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ये टाइम आ गया, ये t, तो ये t हो गया टाइम, टाइम कितना आ गया 6 ईयर्स, तो टाइम 6 ईयर्स आ गया जब n की वैल्यू मैंने क्या रखी 3 रखी, तो 3 रखने पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला कर रहा है नहीं कर रहा है, 9 आ रहा है, n की वैल्यू 3 रखने पर दूसरा कर रहा है नहीं आ रहा है, तीसरा कर रहा है बिल्कुल कर रहा है, सी इज द राइट आंसर, चौथा कर रहा है नहीं कर रहा है, तो n के क्वेश्चन फटाफट करना है तो n की वैल्यू पुटअप कर दोगे और ऑप्शन रखकर ऑप्शन चेक करके रखोगे कि भाई कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़। चलिए एक और क्वेश्चन करता हूँ। चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, कौन सा आंसर आ रहा है। तो इस वीडियो का हम इतना ही करेंगे, अब मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, या तो आपके पास कोई बुक हो तो उस बुक से क्वेश्चन करो, या आपके पास में कोई पीडीएफ हो तो उससे करो, या मैं जो दे रहा हूँ उससे करो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करनी, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे टॉपिक उतना ही आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है ना। और कुछ भी तरीका नहीं है मैथ्स इंप्रूव करने का, मैथ्स इंप्रूव करने का बस एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस, डेली 50 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, मेरे वीडियोस देखो, और जो भी आपके पास बुक है चाहे वो एसएससी पेपर्स प्रीवियस ईयर के पेपर हो तो उसे भी ट्राई करो, तो धीरे धीरे आपकी मैथ्स जो होगी वो एकदम से इंप्रूव होने लग जाएगी, ठीक है ना। जैसे धीरे धीरे हो रही होगी, आपको महसूस हो रहा होगा, वैसे आपकी धीरे धीरे मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैथ्स कोई इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, अपन बेसिकली समझ लेते हैं कि नहीं मैथ्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। जैसे आपको कोई पहाड़ पर चढ़ना है, आप पहले समझ लोगे कि पहाड़ बहुत ऊंचा है मैं नहीं जा सकता, तो आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। आप चढ़ने की कोशिश तो करो, क्या पता आप चढ़ जाओ, तो आप चढ़ने की सिर्फ कोशिश करते रहो, अपना आप चढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैथ्स भी ऐसी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली गारंटी है, आरआरबी जेई के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस लेवल के क्वेश्चन करोगे ना तो आपसे 25 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ध्यान रखना मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एक्चुअल एग्जाम में, ईजी क्वेश्चन मैं कराता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाले नहीं है, आपको फ़ायदा ही नहीं होगा उस चीज़ का। आपको वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में एक्चुअल में आ सकते हैं, ठीक है। ये जो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ आपको 3-4 किताबों से पढ़ाता हूँ और कैट लेवल की पढ़ाता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अगर ईजी करके जाओगे तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो,
तो अभी से अगर हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा डालोगे तो आपके क्वेश्चन वहाँ पर एग्ज़ाम में आराम से बनेंगे, और बिल्कुल बनेंगे। इतने लेवल के क्वेश्चन किए तो आपसे आराम से बनेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और तब तक आप करते रहिए, बढ़िया क्वेश्चन करते रहिए जो भी आपके पास बुक्स है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।